तब ये कहाँ थे जब हम 450 टन बेच दिए स्टार्टिंग में, जब इनका नेम फेम नहीं था, जब हम लोग दिल जान लगा दिए वीडियोस बना के, फीडबैक्स, आज भी आप मैक्सअप फीडबैक डालिए, मैक्सअप पैनल डालिए, पहला दूसरा वीडियो मेरा है। तो हाय, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन। मैं चंदन मिश्रा स्वागत करता हूँ। आज अपने ऑफिस में थोड़ा बाहर के साइड पर आके एक वीडियो बना रहा हूँ। एक बड़ा अर्जेंट मुद्दा कोई था तो मैंने कहा वीडियो बना दूँ और आपको जानना ज़रूरी है। और देखिए, हम लोग ना विगत 2 सालों से ऑनलाइन एजुकेशन में हैं। उसके पहले हम लोग स्मार्ट बोर्ड एंड प्रोजेक्टर वाले में थे, राइट? और जो टोटल एक्सपीरियंस हमारा एजुकेशन का है वो 6 से 7 साल का है, कोर एजुकेशन का। यानी हम टीचर को, टीचर के पेन को, स्कूल को, स्कूल के पेन को बहुत अच्छे से जानते हैं और पूरी टीम हमारी इसी पर काम करती है, राइट? लास्ट 1.5 ईयर से मैंने वीडियो बनाया मैक्सअप के ऊपर और काफ़ी ट्रेंड हुआ, काफ़ी चला। मैक्सअप ब्रांड बन गया और ब्रांड है भी अच्छा, ब्रांड है मैक्सअप। मैक्सअप जिस फील्ड में है बेस्ट है अपने फील्ड में, राइट? मैक्सअप पे वीडियो बनाया मैंने और मैक्सअप का हमने अच्छा खासा अभी तक लगभग 300 से 400 पैनल हमने सेल आउट किए होंगे मैक्सअप के, राइट? और कभी भी मैक्सअप से हमने डायरेक्टली नहीं लिया, क्योंकि मैक्सअप से डायरेक्टली लेने का मतलब ना, जब आप 50 या 100 पीस लेते हो तब आपको मैक्सअप बिल करता है डायरेक्ट, उसको फिर बोलते हैं गोल्ड पार्टनर। तो गोल्ड पार्टनर जिसे आप मार्केट में सुनते हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है कि जैसे मैं भी 100 पैनल अगर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे गोल्ड पार्टनर का उपाधि मिल जाएगी, ठीक है? तो जब मैं करने लगा और भी डीलर आ गए और भी डिस्ट्रीब्यूटर आ गए और भी यूट्यूब पे बनाने लगे, तो आपको पता है जब आपके साथ हम कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सर्विस की होती हैं और चीज़ों को होती हैं, तो प्राइजेज में बहुत ग्लिचेस आने लगे। देखो, प्राइजेज में जब ग्लिचेस आएंगे, जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ना, तो आप समझिए कोई भी वेंडर टीम नहीं बना सकता। जैसे आप हमारे यूट्यूब पर जाएंगे देखेंगे लगभग 20-22 लोगों की एक्टिव टीम है, जिसमें डिजिटल वाली टीम अलग है, कंप्लेंट्स वाले अलग हैं, डेमोस्ट्रेशन वाले अलग हैं, सेल्स टीम अलग है, डिस्पैच टीम अलग है। हम इसलिए टीम रखते हैं कि आपको कहीं तकलीफ ना हो, यानी हम अपने प्रॉफिट को बर्न करते हैं, जला देते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो जब हम बेंचमार्क करने लगे, राइट, बेंचमार्क स्टूडियोज़ बनाने लगे, वो भी आज के टाइम पे एक अच्छा ब्रांड है। कुछ लोग बोले बेंचमार्क चंदन मिश्रा जी कंपनी है, बेंचमार्क मेरी कंपनी नहीं है, वो NRI फंडेड एक कंपनी है, ठीक है? और मेरे पास सेल्स का थोड़ा कारोबार ज़्यादा है बेंचमार्क का, तो मैं करने लगा काम कंटिन्यू। फिर मैक्सअप के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ये मार्केट में कहना शुरू कर दिए कि स्मार्ट इन्फोविजन ऑथराइज वेंडर नहीं है, स्मार्ट इन्फोविजन ऑथराइज वेंडर नहीं है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर ना मैक्सअप के डायरेक्ट इंडिया हेड को भी प्रेशराइज करने लगे कि स्मार्ट इन्फोविजन बेंचमार्क भी कर रहे हैं और स्मार्ट ये मैक्सअप भी कर रहे हैं और बेंचमार्क भी कर रहे हैं। तो मुझे तब बड़ा शॉक लगा कि मैक्सअप से मेल जाता है क्लाइंट के पास कि स्मार्ट इन्फोविजन ऑथराइज वेंडर नहीं है। मैंने कहा यार, तब ये कहाँ थे जब हम 450 पैनल बेच दिए स्टार्टिंग में, जब इनका नेम फेम नहीं था, जब हम लोग दिल जान लगा दिए वीडियोस बना के, फीडबैक्स, आज भी आप मैक्सअप फीडबैक डालिए, मैक्सअप पैनल डालिए, पहला दूसरा वीडियो मेरा है। आज लोग आए हैं, तो जब आप किसी को ब्रांड बनाते हो तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना देती हो तो फिर वो एक अलग सर्कुलर जारी करते हैं, एक अलग कहते हैं कि जैसे पहले एक लोग करते थे कि आपके मतलब के नहीं हैं तो भाई उनको कोई उल्टा उल्टा बोल के हटा दो। और आपको बताऊं कि आपके प्यार और सपोर्ट के लिए जिन क्लाइंट को मैक्सअप से डायरेक्टली मेल गया है कि ऑथराइज नहीं है, उन्होंने पेमेंट किया और हमसे साथ जुड़े। तो लोग जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए थैंक यू, हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसका ये रिज़ल्ट है, राइट? तो मैक्सअप इंडिया से मैं कहना चाहूँगा कि भैया, जब हम आपके लिए काम कर रहे थे, जब विन विन सिचुएशन था, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ। आप बताइए आपको आपत्ति कहाँ आ रही है, हम आपके प्राइस को ड्रॉप कर रहे हैं या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? यार, हम आपके ब्रांड को बढ़ाई तो कर रहे हैं, हम बेंचमार्क भी कर रहे हैं और मैक्सअप भी। ये किस गाइडलाइन में लिखा है, ये किस संविधान में लिखा है कि एक SI एक कंपनी केवल एक ब्रांड कर सकता है? यानी ये तो आपकी गुंडागर्दी है, एक आपकी मोनोपोली, जो मैक्सअप करेगा मैक्सअप करेगा। यार, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर बजट, एज़ पर वो, उनको हम हर चीज़ तो दे सकते हैं ना। सो प्लीज़ ऐसी मार्केटिंग ना करें, ऐसे नेगेटिव र्यूमर्स ना फैलाएं आप, ठीक है? ब्रांड बनता है बड़े मुश्किल से, लेकिन एक गलती से ब्रांड स्पॉइल भी हो जाता है। ये ब्रांड मार्केटिंग आप लोग थोड़ा स्टडी करें और पढ़ें, राइट? अगर दिन रात करके हम किसी चीज़ पर मेहनत की है तो आप हकदार नहीं हैं,
आप अगर हेड कर रहे हैं मैक्सअप तो आप हकदार नहीं किसी को भी कि अथॉराइज नहीं है। आप उस दिन हमें पैनल क्यों मिला, हम 4,450 पैनल कैसे भेज दीजिए, हम ऑथराइज ही नहीं थे, और ऐसा अभी क्या किया जो ऑथराइज नहीं है, राइट? तो गोल्ड पार्टनर सिल्वर पार्टनर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी एक ब्रांड पे नहीं, हम बेंचमार्क भी कर रहे हैं, कल को और कोई ब्रांड अच्छा आएगा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा लेटेस्ट होगा तो हम वो भी ब्रांड करेंगे। हम लोग टोटली खड़े हैं टीचर्स और स्कूल के साथ, पेन के साथ। टीचर कल को बोल देंगे, हम उनकी बात सुन लेंगे, लेकिन ये कंपनी वंपनी आके ऐसी वैसी बात बोलें, दोबारा ये सब बातें ना हो मैं उम्मीद करता हूँ। और मैक्सअप एक अच्छा ब्रांड है, प्यार करते हैं लोग तो बेंचमार्क को भी प्यार करते हैं। मैंने आज तक कभी नेगेटिव मार्केटिंग मैक्सअप की नहीं की, क्योंकि मैक्सअप में दिल से प्यार करता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट है, हमने वीडियोज़ उस पर बनाए हैं, राइट? जो अच्छा होगा उस पर बनाऊँगा। तो बस यही था थोड़ा सा, और मैं मैक्सअप को ही बोलूँगा और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आप अपने स्किल पे बेचना सीखें। नेगेटिव मार्केटिंग करके आप बेच नहीं पाएंगे, उल्टा किसी और की सेल बढ़ा देंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।